वेलकम टू ऑलराउंडर संगू। देखिए आज मैं क्या बना के खाने वाली हूँ। आज मैं गोलगप्पा बना के खाने वाली हूँ। देखिए गोलगप्पा के पैकेट हमारे यहाँ पे मिलता है, मैं वो खरीद के लाई हूँ। तो ये है गोलगप्पा के पैकेट और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है पानी पूरी, मतलब गोलगप्पा का जो पानी बनता है उसका यहाँ पे ये मसाला मिलता है। तो ये भी मसाला मैं खरीद के लाई हूँ और उसके बाद मैं क्या क्या करूँगी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो देखिए अभी फिलहाल मैं ये आलू को बॉयल कर लिया। ये आलू को बॉयल करने के बाद इसमें हमने इसको पेस्ट माने अच्छा से हम इसको गूंद लेंगे और इसमें हम मसाला देंगे। मसाले में मैं क्या क्या दूंगी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैं घर में बनाई हूँ। इसमें है जीरा और मिर्ची, जीरा है मिर्ची है, इसको अच्छा से हमने तवा पे गरम कर लिया और उसको पीस लिया है। इसमें है जीरा और मिर्ची जो पिसा हुआ है, ये मैं घर में बनाती हूँ। यहाँ पे ये दूंगी और यहाँ पे मेरा ये भी घर में बना हुआ है, ये है चाट मसाला, ये घर का बना हुआ है, हम घर में बनाते हैं ये चाट मसाला। ये चाट मसाला है, ये भी दूंगी और पानी दूंगी। तो देखिए पहले मैं आलू को मैस्ट करूंगी। देखिए ये आलू को पहले मैंने मैस्ट करनी हूँ, सारे आलू को मैंने मैस्ट करूंगी। ये आलू हमने उबल के रखे थे, ये उबला हुआ आलू है, मैं पहले से ही रखी थी। तो ये ऐसा करके आप लोग आलू को उबल दीजिएगा। अभी ये आलू के अंदर हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे हम जो ये मसाला बनाई हूँ ना, तो जीरा और मिर्ची को गरम करके जो पीसी हूँ ये मसाला यहाँ पे देंगे। उसके बाद ये जो पानी पूरी का जो मसाला है ये भी हम इसमें देंगे, नमक में थोड़ा सा। और इसमें हम ये चाट मसाला मैंने जो बनाई हूँ, ये घर का बना हुआ चाट मसाला है, ये भी आप लोग दीजिएगा। ये भी मैं देखिए आप लोग अंदाज में दीजिएगा जितना आपको चाहिए। तो मैं अंदाज के हिसाब से दे दिया। ये अच्छा से हम मिक्स करेंगे। वो जितना टेस्ट होता है ना और इसका इतना खुशबू आ रहा है, मतलब लग रहा है अभी हम गोलगप्पा की दुकान में चले गए। तो मेरे जैसे ज़रूर बनाइएगा, तो देखना इसमें कितना टेस्ट होता है। और आप बाज़ार में जाइएगा तो 5 गोलगप्पा 4 गोलगप्पा देते हैं, 20 रुपया ले लेते हैं। आप देखिए ये आप घर में बनाइए और जितना मन चाहे उतना आप खा सकते हैं। अभी देखिए इसमें हमने हरी मिर्च और धनिया पत्ता हम कट के रखे थे, ये भी हम ये आलू में दे देंगे। देखिए अभी मैं पानी बनाने वाली हूँ। पानी में भी हम थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च को काट के हमने दे दिया। इसमें हम पानी दे देंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा पानी पिया नहीं जाएगा गोलगप्पा में। तो जितना गोलगप्पा में चाहिए मैं उतना बना रही हूँ, और बाद में अगर कम पड़े तो फिर बना लूँगी। घर में तो सारे मसाला मेरा है। तो इसमें हमने क्या दिया, इसमें दिया धनिया और हरी मिर्च। उसमें देखिए हमने जो मसाला बनाई हूँ वो मसाला हम दे देंगे। मसाला दे दिया, ये है हमारा बना हुआ जो मसाला है, ये भी हम थोड़ा सा दे रहे हैं। देखिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा दे के ना पहले टेस्ट कर लीजिएगा पानी का, तो हम थोड़ा दे दिया। इसमें देने के बाद इसमें हम देंगे ये पानी पूरी। ये पूरा मत डालिएगा आप, थोड़ा सा डालिए फिर इसको मिलाइए, फिर टेस्ट कीजिए, फिर चाहिए तो फिर दे दीजिए। पहले मैंने मिलाऊंगी। तो देखिए हमने ये गोलगप्पा पूरा बना लिया जो दुकान में मिलता है। मैं आपको बोली हूँ यहाँ पे हमने पानी पूरी का मसाला लाई थी वो इसमें यूज़ किया। अगर आपका पानी पूरी का मसाला आपका नहीं मिलता है तो इसमें इमली, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा धनिया, जीरा और लाल मिर्च को फ्राई करके उसको थोड़ा सा पीस लीजिए, वो मसाला दीजिए, थोड़ा सा काला नमक दीजिए, थोड़ा आमचूर पाउडर दीजिए और थोड़ा धनिया पुदीना और हरी मिर्च। बस ये देखे ठंडा फ्रिज का पानी देखे, ये पानी बना लीजिए।
तो ये हो जाएगा आपका गोलगप्पा के पानी। और यहाँ पे गोलगप्पा के आलू के लिए आलू को बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद आपका लाल मिर्च, जीरा, धनिया, काला नमक, अमचूर पाउडर और सादा नमक सारे दे के इसको टेस्ट कर लीजिए। और धनिया भी इसमें काट के, हरी मिर्च काट के इसको मिक्स करके थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। करने के बाद ये सबको खिलाइए, खुद भी खाइए। तो देखिए ऐसा मैंने बनाई एक गोलगप्पा, मैं बना सकती थी, मैं बनाती थी। अब मेरा वीडियो में है, आप लोग देख लीजिएगा गोलगप्पा कैसे बनाना पड़ता है। मगर फिलहाल ये मैंने बनाई नहीं हूँ, ये खरीद के लाई थी। तो हम अभी एक गोलगप्पा हम आप लोगों के सामने टेस्ट करके देखते हैं कैसे बना गोलगप्पा। तो देखिए ये फोड़ा, फोड़ने के बाद इसमें आलू दीजिए। देखिए इसमें हम आलू भर रहे हैं, आपका जितना मर्जी आप आलू कम पसंद करते हैं तो चना भी दे सकते हैं, छोले भी दे सकते हैं। इसमें आलू भरिए, मैंने देखिए आलू भर लिया। ये पानी को थोड़ा सा बार बार हिला लीजिएगा क्योंकि ये मसाला नीचे बैठने मत दीजिएगा। और अभी इसको पानी से भर लीजिए, देखिए भर लिया। एक कटोरी लीजिए और इसको टेस्ट करके देखिए। देखिए मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कैसे बना। बहुत ज्यादा टेस्टी, वाओ। देखिए वाओ, पानी भी इतना टेस्टी, अब लोग को क्या बताऊं। तो ये था देखिए मेरा गोलगप्पा, है ना अच्छा। तो ये मेरे इवनिंग का स्नैक्स था, मैंने ये इवनिंग में ये स्नैक्स बनाई और सबको खिलाई, मैं खुद खाई, अभी खाने वाली हूँ। टेस्ट करके आप लोगों को बता दिया कैसे बनाना पड़ेगा, ये भी आप लोगों को बता दिया। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कुछ भी करती हूँ आप लोगों के लिए करती हूँ। आज तक आप लोग का इतना सपोर्ट मिलते हैं, सपोर्ट मिलते जा रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाते जा रही हूँ खुश होके। तो और सपोर्ट कीजिए। ओके बाय।